हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं जो एयर सक्शन वाल्व, ये इसका क्या काम है, किस तरह से काम करता है और ये खराब होने से क्या क्या होता है, उस बारे में मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए और आप मेरे चैनल में नया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाए। दोस्तों, ये जो एयर सक्शन वाल्व है, ये किसी ने यूरो टू मशीन भी कहता है। एयर सक्शन वाल्व खराब होने से दोस्तों साइलेंसर में ज़्यादा पटपट करके साउंड आता है और ये दिया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिया गया है कंपनी ने। पहले टू स्ट्रोक बाइक में इस तरह नहीं रहता था, अब फोर स्ट्रोक बाइक में जो पहला वाला बाइक है उसमें भी नहीं रहता था। अभी जितना बाइक आ रहा है उसमें साइलेंसर के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उस साइलेंसर के साथ एक चीज़ दे रहा है। दोस्तों अभी ये इसमें कार्बन वगैरह आने से ज़्यादा साउंड आता है। अभी खोल के क्लीन कैसे करना है ये देखने जा रहा हूँ। और जो मैकेनिक दोस्त है उसको पता ही है और जिस दोस्त काम सीख रहा है उसके लिए ये वीडियो है। दोस्तों अभी खोल के आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ ये काम कैसे करता है और इसका अंदर जो रबर वगैरह रहते हैं वो काट होने से काम होता नहीं है। दोस्तों ये जो आपको ये साइड दिखाई दे रहा है इसमें जो रबर रहते हैं ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। वैक्यूम क्लीनर आपको खोल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आइए, ये दोनों खुलने का काम हो गया। ये जो साइड है इसमें तीन पाइप दिया हुआ रहता है, अभी आपको ये बाहर ले आके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा जो ये जो आपका और एक होस दिखाई देगा आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक खोलने के बाद आपको अच्छा तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़ा रहे, देखिए खोलने का काम हो गया। ये तीन होस है आपको दिखाई दे रहा है। ये जो होस, ये होस आ रहा है एयर फिल्टर से, अच्छा हवा इधर से आता है दोस्तों। और ये जो एक होस पतला वाला जो होस दिखाई दे रहा है ये देखिए हेड में जा रहा है ए? और एक होस ये देखिए ये एग्जिट में जा रहा है, एग्जिट वाल्व में जा रहा है। दोस्तों अभी ये काम कैसे करता है और इधर कार्बन आता है, कार्बन आने से साइलेंसर में ज़्यादा पटपट साउंड आता है। अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ खुल के। अभी ये जो स्क्रू है दोनों को खोलना है, ये दोनों स्क्रू खोलने का काम भी हो गया। देखिए एक खोल गया, देखिए इसमें कार्बन कितना आया है देखिए। और काम कैसे करता है वो भी देखने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए ये कार्बन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। अब इसको क्लीन करना है, ये क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों, ये पेट्रोल के जरिए से क्लीन करने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, अभी क्लीन करने के बाद दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये अभी क्लीन हो गया, फिर से अभी इसको इस तरह डाल दिया। अभी जो एयर फिल्टर से जो होस आ रहा है वो होस, अभी आपको और एक चीज़ दिखाना है। देखिए इधर वैक्यूम क्लीनर का तरह है, आपको ठीक आराम से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है, इधर दबाने से देखिए, इधर दबाने से इधर भी क्या होता है, ये एयर कंप्रेसर के जरिए से ये खेलता है। आपको वो भी देखने की कोशिश करने वाला हूँ। अभी जो अच्छा हवा आ रहा है उसमें फिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये फिट उसमें हो गया। अभी गाड़ी को स्टार्ट देखे कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट दो, देखिए दोस्तों ये काम कैसे कर रहा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, हिल रहा है, देखिए इस तरह से काम करता है। और जो हवा के जो एग्जिट होता है, जो साइलेंसर के जरिए से एग्जिट होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक एयर है वो एग्जिट होता है।
उस टाइम सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जो अच्छा वाला हवा उस हवा के साथ मिलता है, मिलने के बाद जो एग्जिट साइलेंसर के जरिए से जो एग्जिट होता है अच्छा ही अच्छा निकलता है, इसलिए ये जो एयर सक्शन वाल्व दिया जाता है दोस्तों, ये सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। और इसके जरिए से इसमें जितना कार्बन वगैरह आया था आपको देखा है पहले, स्मोक ब्लैक कलर और वाइट कलर भी स्मोक आता है, उस टाइम जो एयर निकलता है वो हानिकारक है दोस्तों, इस उस टाइम कार्बन इधर आता है दोस्तों। मैंने इसको क्लीन किया और साइलेंसर में साउंड भी आता है, क्लीन करने के बाद इसको डाला इसमें थोड़ा जो एयर, देखिए ये जो आपको ये यामा RX 135 में ये देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो देखिए ये काम आपको दिखाई दे रहा है, ये काम थोड़ा थोड़ा करके लेता है। पेट्रोल जलने से जो ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक हवा निकलता है उसके लिए ये जो आपको दिखाया है, इसके ज़रिए से थोड़ा थोड़ा करके एयर फिल्टर के ज़रिए से ये अच्छा वाला हवा आता है दोस्तों, होने के बाद एग्जिट होता है, उस टाइम वो सेहत के लिए हानिकारक होता नहीं है दोस्तों। मैंने जो बात आपको बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो बनने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं दोस्तों। आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।